हाई गाइज वेलकम टू अनदर एपिसोड माई नेम इज़ राहुल रोहि एंड यू आर वॉचिंग लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एन टी एस सी चैनल हेलो हेलो हाई कैसे हो सर लोग हवा यू तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र के क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द पास्ट क्वेश्चन ऑफ एन टी एस सी ऑफ द स्टेट महाराष्ट्र ठीक है आई यू गाइज रेडी शुरू करें तो यार सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द पेपर पेपर इज अ गुड पेपर अच्छा पेपर है लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू द क्वेश्चन और uh, इसके जो क्वेश्चन है दे आर नॉट एज ईजी एज पंजाब या फिर चंडीगढ़ तो द लेवल ऑफ पेपर इज एट पार विद डेली डेली का जैसा पेपर था वैसा ही इसका पेपर है मतलब इससे थोड़ा सा डेली से थोड़ा सा कम बट इट इज अ गुड पेपर ओके सी द क्वेश्चन इज गंग टू कम फॉर यूर एन टी एस सी एग्जाम सबसे पहले यार लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ माई नेम इज़ राहुल रोहि माई आई एम बी टेक फ्राम डेली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विद मोर देन फोर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव टॉट मोर देन वन लाख स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर वेरियस एग्जाम्स लाइक ओलम्पियाड एन टी एस सी सी बी एस सी एंड अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स मेरी ये कुछ सीरीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं एन टी एस गुरुकुल एक सीरीज है जहाँ पे मैं बेसिकली एन टी एस सी के पास्ट या क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ वी हैव डिवाइडेड द एग्जाम द क्वेश्चन इन टू फोर जोन्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और हम हर हफ्ते एक जोन को टारगेट करते हैं और वहाँ के सारे स्टेट्स के क्वेश्चन के पास्ट या क्वेश्चन करते हैं है ना तो आज हमारा टारगेट है महाराष्ट्र के क्वेश्चन को कवर करने का तो चार बजे रोज मंडे टू सैटरडे मैं लाइव आता हूँ ये क्वेश्चन कराने तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं जैसे आ, पी आर एम ओ या फिर आर एम ओ या फिर आईओ क्यू एम इंडियन ओलंपियाड क्वालिफाई फॉर मैथमेटिक्स तो आप मेरी लर्न हर्ट के सीरीज फॉलो कर सकते हैं छ बजे ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को मैं लाइव आता हूँ आईओ क्यू एम पास्ट या क्वेश्चन का डिस्कशन भी छह बजे होता है मंडे वेंसडे और फ्राइडे को इसके अलावा हम इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं लर्न हर्ट के स्पेशल्स में साढ़े आठ बजे मंडे टू सैटरडे को ठीक है तो आप ये सारी मेरी सीरीज फॉलो कर सकते हैं और अगर आप ये सारी क्लासेस एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं जैसे आपको क्लास बिल्कुल लाइव मिलेगी आप लाइव क्लास में बैठ सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्लास होती है इट्स वेरी नाइस उसके बाद टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलेगा क्लास के अंदर आप लाइव पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लीडर बोर्ड में आपकी रैंकिंग आ सकती है तो आप अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं और क्लास में ही आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे जिसमें आप अपने सारे डाउट्स एजुकेटर से पूछ सकते हैं इसके अलावा हर तीसरे सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है तो अगर आप उस सेशन में आते हैं तो आप अपने सारे डाउट्स अगेन क्लियर कर सकते हैं तो डाउट्स विल बी सॉल्व अगर आप ये सारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इसके अलावा आप कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी बहुत ही स्मूथली और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगी आपको नोट्स भी मिलेंगे आपके टेस्ट भी होंगे सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर तो अगर आपको अन का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए आपको अन की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी वहां पे फिर आपको अपना गोल चूज करना पड़ेगा अगर आप नाइन्थ क्लास में हैं टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ जो भी आपका गोल है उसके बाद आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सब्सक्रिप्शन पेज जा आ जाएगा तो आप 12 महीने 24 महीने या 36 सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका कॉस्ट पड़ेगा बाईस पांच सौ रुपए बारह महीने का कॉस्ट पड़ेगा तेरह हजार पांच सौ रुपए और अगर आप इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं रोहिला टेन तो रोहि टेन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा टेन डिस्काउंट भी मिलेगा का ले सकते हैं। एक और है, इसमें बेसिकली आपको एक पर्सनल गाइड या पर्सनल मैं मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है आपकी पूरी स्टडी की प्लानिंग आपको कैसे कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है क्या टाइम टेबल होना चाहिए क्या रूटीन होना चाहिए ये सारी स्टडी से रिलेटेड क्वेरीज आपका मेंटर गाइड आपको देगा तो अगर आप आइकॉनिक और फायदा है बूस्ट करने, करने के लिए बहुत सारी अलग अलग क्लासेस भी मिलेंगी तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 24 महीने की कॉस्ट है 43,200, 18 मंथ्स की कॉस्ट है 31,500 और अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा ओके okay. तो यार आज हमारा टारगेट है uh, महाराष्ट्र के क्वेश्चंस डिस्कस करने का ठीक है तो शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन तो पहला क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज दिस क्वेश्चन इज वट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम वन टू थाउजेंड दैट आर डिविजिबल बाय सेवन तो एक से लेकर हजार तक कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं सेवन से तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए यार इसका आई गिव यू टाइम वॉट शुड बी दी आंसर हेयर नंबर्स बताने हैं एक से हजार तक विच विल बी डिविजिबल बाय सेवन ओके लोट ऑफ पीपल आर सेइंग ऑप्शन नंबर सी सी शुड बी द करेक्ट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं सी या बी ओके लेट्स चेक व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर तो यार सबसे पहला नंबर जो सेवन से डिविजिबल होगा वो तो सेवन ही होगा फिर फोर्टीन फिर ट्वेंटी वन और लास्ट नंबर क्या होगा अगर मैं थाउजेंड को डिवाइड करता हूँ सेवन के साथ तो मेरे पास आएगा नाइन नाइन फोर ये होगा लास्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय सेवन तो अगर मुझे इन सारे नंबर्स का सम निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि ये सारे और द कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो सेवन है ना तो यहां से मेरे पास आ जाएगा एन माइनस वन इंटू सेवन इक्वल टू नाइन एटी से एन माइनस वन हो जाएगा भाई नाइन एटी सेवन अपऑन सेवन विच इज इक्वल टू नाइन वन नाइन फोर जो ट्वेंटी एट वन फोर वन तो एन का वैल्यू आ गया वन फोर टू अब टर्म्स का फार्मूला अगर आपको याद हो दो फॉर्मूले होते हैं तो मैं फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करूंगा कि भाई एन बाई टू टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो एन क्या है वन फोर्टी टू अपॉन टू फर्स्ट टर्म इज सेवन लास्ट टर्म इज नाइन नाइन फोर तो ये हो जाएगा सेवनटी वन दिस विल बी सेवेंटी वन एन टू दिस विल बी वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन है ना तो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच दिस विल कम आउट टू बी सेवन वन जीरो सेवन वन तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर है इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन तो एन एथ टर्म का फॉर्मूला यूज किया वहां से मैंने एन uh, का वैल्यू निकाला कि कितने टर्म्स हैं फिर उसके बाद मैंने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज किया ओके लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू यार क्वेश्चन नंबर टू ऑन योर स्क्रीन अब यार ये शेयर्स का क्वेश्चन है आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने ये वाले टाइप के क्वेश्चन करे होंगे तो एक बार ट्राई करो एक सौ साठ शेयर है फेस वैल्यू हंड्रेड है मार्केट वैल्यू वॉज वन ट्वेंटी कंपनी हैड ट्वेंटी परसेंट डिविडेंड फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ठीक है प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन कितने लोगों ने ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं करे हैं एक बार मुझे वो भी बता दीजिए ओके okay. तो एक बार स्टार्ट करते हैं यार लेट्स ट्राई टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें डिविडेंड क्या है डिविडेंड कैसे निकालते हैं सर डिविडेंड निकालने के लिए व्हाट इज द डिविडेंड डिक्लेयर ट्वेंटी परसेंट है ना तो ट्वेंटी बाय हंड्रेड और uh, कॉस्ट क्या है एक शेयर की सौ और कितने शेयर्स हैं एक सौ साठ तो यह आ जाएगा थर्टी टू हंड्रेड तो डिविडेंड जो है विच इट विल बी थर्टी टू हंड्रेड मैंने क्या किया डिक्लेयर डिविडेंड ट्वेंटी परसेंट था कॉस्ट ऑफ वन शेयर हंड्रेड है फेस वैल्यू और कितने शेयर्स हैं एक सौ साठ तो उससे मेरे पास डिविडेंड आ जाएगा अब मुझे निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ रिटर्न तो रिटर्न बेसिकली कैसे निकाल सकते हैं जो हमारा डिविडेंड आया है उसको डिवाइड करिए मार्केट वैल्यू से एंड द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है इफ यू मल्टीप्लाई विद हंड्रेड तो आपके पास परसेंटेज भी आ जाएगा इसका बेसिकली फिफ्टी बाई थ्री परसेंट विच इज बेसिकली सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट तो विल बी द करेक्ट आंसर है ए विल बी द करेक्ट आंसर है डिविडेंड so, कैसे निकाला हमने निकाला ट्वेंटी परसेंट डिक्लेयर था कॉस्ट एक का फेस वैल्यू और कितने थे 160 तो so, वहां से डिविडेंड आ गया बत्तीस सौ रुपए रिटर्न के लिए ट् थर्टी टू हंड्रेड को डिवाइड करेंगे हम जो मार्केट वैल्यू है और कितने शेयर्स हैं और परसेंटेज निकालने के लिए सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा ठीक है सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आपको बेसिकली ये बताना है कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम तो वट शुड बी दंसर ओके अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ट्राई इट देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको ओके okay. तो यार ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगेन आपको क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन इसको आप डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन से तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स सब किया तो ये कैंसिल ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यह आ जाएगा प्लस 6x 7 और आप देख सकते हैं कि भाई ये और डिवाइजर सेम ही है है ना सबट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर इज जीरो, तो x 1 इसका आंसर आएगा वेरी सिंपल तो डी विल बी द करेक्ट आंसर है ना तो पहला क्वेश्चन भी सिंपल था है ना ये क्वेश्चन भी सिंपल है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है दूसरा क्वेश्चन इज समथिंग न्यू तो एक बार आप ये सारे शेयर्स वाले क्वेश्चन भी देख लेना यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल इजिली या फिर अगर आपके पास एन टी की बुक है तो वहां पर भी आपको ये आसानी से मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत था इसमें हमने बेसिकली डिवाइड किया एंड वेन आंसर चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं अब ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन है ना एक बार ये देख लो लेट मी नो वट शुड बी दी आंसर आई एम गिविंग यू टाइम तो आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आप एक बार कर लो फिर मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा ठीक है ओके तो व्हाट शुड बी दी आंसर यार क्या आंसर होना चाहिए यहां पे? ए बी सी या डी ओके बी शुड बी दी आंसर ए बताइए ओके तो यार सबसे पहले आपको देखना है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें तो यार जो अपस्ट्रीम होता है और डाउनस्ट्रीम होता है उसका बेसिकली मतलब क्या होता है एक बार ये जान लीजिए क्लियरली मान लीजिए अगर मेरे पास कोई नदी है इसके अंदर कोई बोट है ठीक है अब यार नदी की कुछ स्पीड होगी अगर नदी फ्लो कर रही है नदी तो फ्लो करती है तो उसकी कोई स्पीड होगी कोई डायरेक्शन होगी मान लीजिए नदी की डायरेक्शन है ये नदी की स्पीड मान लीजिए वाई किलोमीटर पर आर मेरी बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर अगर पानी स्टिल है तो उसमें मेरी स्पीड क्या होगी मान लीजिए वो है एक्स किलोमीटर पर आर अब यार अगर मैं नदी के साथ साथ चलता हूं तो नदी मेरी हेल्प करेगी टू तो गो फास्टर उसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम तो मेरी एक्चुअल स्पीड क्या होगी उसमें x प्लस वाई किलोमीटर पर आर अगर मैं अपस्ट्रीम जाता हूं तो मैं नदी के अगेंस्ट जा रहा हूं नदी का डायरेक्शन है ये मुझे जाना है इस तरफ तो उल्टी डायरेक्शन में तो उस केस में मेरी स्पीड क्या होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर ठीक है तो ये अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई अब क्वेश्चन कहता है कि भाई ए बोट टेक्स थ्री आवर्स टू तो ट्रेवल थर्टी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड फाइव किलोमीटर फाइव आवर्स टू तो रिटर्न टू द सेम स्पॉट ठीक है तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द बोट क्या होगी तो आपको पता है यार स्पीड इज इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो अगर टाइम डिस्टेंस कितना है थर्टी किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी एक्स प्लस वाई तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल बी इक्वल टू टाइम तो ये टाइम लगा जाने में और आने में कितना टाइम लगा दिस इज इक्वल टू थ्री आवर्स आने में कितना टाइम लगा फाइव आवर्स तो आपके पास दो इक्वेशन यहां पे आ गई पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू से दो इक्वेशन है दोनों इक्वेशन को यूज करिए ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन एक्स आ जाएगा एट ठीक है तो y क्या आ जाएगा y आ जाएगा टू तो हमें x निकालना था बोट का स्पीड निकालना था तो b विल बी द करेक्ट आंसर है इसका आंसर क्या होगा b होगा ठीक है इज दैट क्लियर आई होप दिस इज क्लियर ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम वन टू थाउजेंड एंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम वन टू थाउजेंड तो यार आपको बताना है कि सारे एक से लेकर हजार तक जितने भी इवन नंबर है और जितने भी ऑड नंबर है इवन नंबर्स का सम और ऑड नंबर्स का सम लेके उनका डिफरेंस क्या होगा ठीक है आपको ये बताना है बेसिकली ठीक है प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन ओके चलिए तो यार बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें ये क्वेश्चन बेसिकली मुझे कह रहा है कि अगर मेरे पास इवन नंबर्स हैं टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस और ऐसे जाता जा रहा है थाउजेंड तक ये सारे इवन नंबर्स का सम और ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे वन प्लस थ्री प्लस फाइव और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा नाइन 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 तो ये डिफरेंस आपको बेसिकली बताना है क्या होगा ठीक है वट विल बी दिस डिफरेंस तो एक बार इसको ट्राई करते हैं यार तो सबसे पहले यार आपको यहां देखना है कि अगर मैं टू और वन को लेता हूं टू माइनस वन क्या होगा वन होगा फोर माइनस थ्री क्या होगा ये भी वन होगा सिक्स माइनस फाइव क्या होगा ये लास्ट थाउजेंड माइनस नाइन 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 ये भी वन होगा हो तो अब मेरे पास यहां पे कितने वन आ जाएंगे दो नंबर्स यूज हो रहे हैं एक इवन एक ऑर्ड पहला दूसरा नंबर यूज हो रहे हैं तो ऐसे मेरे पास पांच सौ पेयर आ जाएंगे फाइव हंड्रेड पेयर्स आई विल गेट है ना तो इसका आंसर क्या होगा यार सब में वन 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 आ रहा है वन को ऐड करो पांच सौ बार यू विल गेट फाइव हंड्रेड एज दी आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना तो ये क्लिक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है एंड बट दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू कैन ईजीली डू दिस ठीक है समझ आ गया ओके okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फाइंडिंग द मीडियन मीडियन निकालना है फॉर्मूला यूज करके आपको एन गिवन है एन इज गिवन एज हंड्रेड एच क्लास साइज इज गिवन एज टेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज थर्टी फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज एटीन और एल इज गिवन एज फिफ्टी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास तो बताइए क्या आंसर होगा इसका आपका टाइम शुरू हो चुका है लेटमी सी वॉट यू गाइज आंसर ओके okay. अगेन so यार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं दिस इज बेसिकली मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाय टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इन टू क्लास साइज विच इज एच है ना ये फॉर्मूला याद कर लो तो लोअर लिमिट हो जाएगी फिफ्टी एन बाय टू ये हो जाएगा पचास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज थर्टी एट फ्रीक्वेंसी इज 18 और क्लास साइज क्या है 10 तो यह आ जाएगा भाई 50 प्लस ट्वेल्व अपॉन एटीन इन टू टेन सिक्स टू झा ट्वेल्व थ्री झा एटीन तो यह आ जाएगा 50 प्लस ट्वेंटी अपॉन थ्री ट्वेंटी अपॉन थ्री हो जाएगा 6.67 पॉइंट प्लस फिफ्टी कर लेते हैं तो so, हो जाएगा 56.67 तो सेवन शुड बी द करेक्ट आंसर है ठीक है मीडियम ऑफ दिस डेटा

अगर ए बी सी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वैसे ही एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है तो अगर ये तीनों नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो ए और सी का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म ए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म तो आपको ये लॉजिक लॉजिक यहां पे यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शुरू करिए टाइम स्टार्ट हो चुका है लेट्स सी व्हाट गाइस चूज? तो इसका और इसका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्टी फाइव माइनस एक्स ठीक है अच्छा इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर इन दोनों नंबर का जोमेट्रिक मीन ये है ठीक है तो इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द ऑफ़ माइनस एक्स तो अगेन मैंने क्या बोला कि भाई अगर आपके पास ट्वेंटी वन माइनस एक्स है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी फाइव माइनस एक्स के साथ इनका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू सेवन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये बराबर होगा इसके तो आप देख लीजिए इसका प्रोडक्ट क्या आएगा व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इट शुड बी इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस एक्स का होल तो ये हो जाएगा भाई ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टी फोर एक्स है ना और इस तरफ आ जाएगा मेरे पास ट्वेंटी वन इंटू थर्टी फाइव इज सेवन थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी वन एक्स माइनस थर्टी फाइव एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल ये कितना हो जाएगा भाई फिफ्टी सिक्स तो आ जाएगा मेरे पास सेवन थर्टी फाइव माइनस फिफ्टी सिक्स एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर विच इज सेवन टू नाइन माइनस फिफ्टी फोर एक्स तो इसको इस तरफ लेके आइए इसको इस तरफ लेके आइए तो आपके पास आएगा सेवन थर्टी फाइव माइनस सेवन टू नाइन इज इक्वल टू फिफ्टी फोर एक्स ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है वो आ जाएगा नाइन डी विल बी द करेक्ट आंसर इज दैट क्लियर क्लियर है भाई सबको तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज नाइन ओके चलिए भाई आगे चलते हैं लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन तो अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा इज दिस द डिफरेंस बिटवीन द डायंगल्स ऑफ अ रॉम्बस एंड द एरिया ऑफ अ रॉम्बस इज 96 सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड

तो हाफ इंटू एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है दैट इज इक्वल टू वाई प्लस फोर इंटू वाई ये कितना होगा नाइन्टी सिक्स ठीक है तो भाई वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई विल बी इक्वल टू वन नाइनटी टू तो वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस वन नाइंटी टू विल बी इक्वल टू जीरो ठीक है अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं यू कैन थिंक ऑफ टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट जिनका सम विल बी फोर एंड द प्रोडक्ट विल बी वन टू है ना तो दो नंबर कैन बी वन टू को अगर मैंने फैक्टराइज किया टाइम्स टू दिस विल बी नाइन वन times are 18, the 12, the 8, to 8 is 16, 4, 12, 16 or 12, okay. So I can write this as y square plus sixteen y minus twelve y minus one ninety-two equal to zero. the se write y times y plus sixteen. माइनस ट्वेल्व कॉमन लिया तो आ जाएगा वाई प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो तो आ जाएगा वाई माइनस ट्वेल्व इन टू वाई प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो वाई की दो वैल्यूज आ रही है एक वैल्यू हो सकती है भाई ट्वेल्व दूसरा वैल्यू हो सकता है माइनस सिक्सटीन नेगेटिव नहीं हो सकती पॉजिटिव ही होगी वैल्यू ठीक है तो बेसिकली y का वैल्यू आ गया ट्वेल्व तो x क्या था y प्लस फोर तो मतलब ट्वेल्व प्लस फोर आ गया सिक्सटीन y का वैल्यू है ट्वेल्व तो ये आ गया आपके पास डायगनल ठीक है अब आपको बताना है कि भाई साइड का लेंथ क्या होगा तो इनका हाफ कर लीजिए एक, एक लेंथ हो जाएगा एट एट लेंथ हो जाएगा सिक्स पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये थर्ड साइड निकाल सकते हैं इट विल कम आउट टू बी टेन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई डिफरेंस बताना है डायग्नल छोटी वाली का और रॉम्बस की साइड का तो छोटे वाले डायग्नल इज ट्वेल्व रोम्बस का साइड इज टेन डिफरेंस विल बी टू तो ए विल बी द करेक्ट आंसर है इज दैट क्लियर इसका आंसर क्या होगा द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी टू ठीक है तो ये था भाई एट्थ क्वेश्चन दिस वॉज द एट्थ क्वेश्चन लेट्स गो टू दाइ नाइन्थ क्वेश्चन शॉपकीपर सोल्ड अ बाईस टू अ कस्टमर फॉर वन जीरो थ्री जीरो फोर रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी द रेट ऑफ जीएसटी वॉज ट्वेल्व परसेंट फाइंड एस डी एस टी पेबल टू हिम अब यार ये क्वेश्चन में इन्होंने ट्रिक डाल दिया वॉट वॉज द ट्रिक ट्रिक वॉज बेसिकली क्या यार एसडीएसटी और सीजीएसटी दो टाइप के ट्रैक्स होते हैं एक सेंट्रल और एक स्टेट ठीक है जब भी जीएसटी कैलकुलेट होता है उसके दो पार्ट होते हैं एक पार्ट जाता है सेंट्रल को एक पार्ट जाता है स्टेट को ठीक है तो कई सारे बच्चे क्वेश्चन कर तो लेंगे बट उसको फिर सीधा जो आंसर करेंगे वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन डाल देंगे लेकिन आपसे सिर्फ पूछा है एसडीएसटी कितना होगा मतलब स्टेट का शेयर क्या होगा ये क्वेश्चन है तो मान लीजिए कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस है एक्स ठीक है और उसके ऊपर जीएसटी लगा बारह परसेंट तो ट्वेल्व बाई हंड्रेड ऑफ एक्स तो टोटल कॉस्ट पड़ा वन जीरो थ्री जीरो फोर रुपीज तो यह आ जाएगा वन वन टू एक्स अपॉन हंड्रेड दैट इज इक्वल टू वन जीरो थ्री जीरो फोर अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा ठीक है एंड यू कैन फाइंड वट विल बी एक्स 112 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो दैट विल गो एट नाइन्टी टू तो एक्स का वैल्यू आएगा नाइनटी टू हंड्रेड और अगर मैं सेलिंग प्राइस में से ये अगर रेफरेंस करता हूं, 9, 200, तो मेरे पास अमाउंट कितना आएगा अमाउंट टू बी वन वन जीरो फोर तो इतना जीएसटी लगा लेकिन अब इतने जीएसटी के दो पार्ट करें एक गया स्टेट को एक गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और इसका हाफ करोगे आप आपको मिलेगा फाइव जीरो टू ये पार्ट गया फाइव जीरो टू आएगा ये फाइव फाइव टू फाइव फाइव टू आएगा फाइव फाइव टू गया स्टेट को एंड सेंटर को गया ऑल्सो फाइव फाइव टू तो हमसे पूछा था एसडीएसटी क्या होगा तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी बहुत सारे बच्चे इसको ए कर देंगे लेकिन यहां पे ट्रिक क्या है कि भाई स्टेट का अलग होगा सेंटर का अलग होगा हाफ ऑफ होगा तो फाइव फाइव टू विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है भाई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू है ना ओके okay. चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये वाला अब ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम क्लास इलेवेंथ फाउंडेशन में भी कई बार पढ़ा देते हैं आपको बट दिस इज आउट ऑफ सिलेबस टेक्निकली बट कोई नहीं अब इन्होंने डाल दिया है तो कर लेते हैं अगर आपके पास कोई भी ऐसे डिटर्मिनेंट गिवन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए मतलब थ्री रूट फाइव को मल्टीप्लाई करिए एम के साथ फाइव को मल्टीप्लाई करिए सिक्स के साथ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ये गिवन है आपको इक्वल टू जीरो है ना तो थ्री रूट फाइव एम माइनस थर्टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा थर्टी अपॉन थ्री रूट फाइव ये आ जाएगा 10 अपॉन रूट फाइव तो मल्टीप्लाई करिए रूट फाइव अपॉन रूट फाइव से दिस विल बी टेन रूट फाइव अपॉन फाइव विच इज इक्वल टू टू रूट फाइव इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज टू रूट फाइव ठीक है क्लियर है है ना दिस मेक्स सेंस ओके ऑसम तो इसका आंसर ये होगा ओके okay. यार अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए और आप चाहते हैं कि ए एन की तैयारी आप एक स्ट्रक्चर तरीके से करें तो अपन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड भी होंगे टेस्ट सीरीज और उसका एनालिसिस भी आप कर सकते हैं और क्लास में ही आप अपने सारे डाउट्स भी पूछ सकते हैं हर तीसरे सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है तो वहाँ पर भी आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अगर आपको फॉलो करना है यहां पे मैं अपने वीडियोस के अपडेट्स देता रहता हूं तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं ये वाला ग्रुप और अगर आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए मेरा कूपन कोड यूज करिए रोहिला टेन टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट आप बारह महीने चौबीस महीने या थर्टी सिक्स मंथस का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं चौबीस महीने की कॉस्ट है बाईस हजार पांच सौ रुपए बारह महीने की कॉस्ट है तेरह हजार पांच सौ रुपए और रोहिला टेन कोड यूज करने पे आपको टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा ठीक है तो अगर आपको टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज करिए विच इज रोहिला टेन सर आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली बार टेक केयर गाइस, बाय